हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4, क्लास 8, साइंस, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। और हमारा टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट जो आपके बुक में, एनसीईआरटी बुक में जो आपको रिएक्शन दिया हुआ है वो है आयरन का। आयरन का ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्शन की बात की है। तो जब भी आयरन मॉइस्चराइज ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो हम लोग लिखेंगे कि यहाँ पे Fe2O3 डॉट XH2O, यानी कि फेरिक ऑक्साइड इन द हाइड्रेटेड फॉर्म हमारे पास बनता है, जिसको आप सिंपल लैंग्वेज में रस्टिंग ऑफ आयरन बोलते हो, जंग लगना। तो दिस इज द केमिकल रिएक्शन फॉर आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस वॉटर। सेकेंड जो इन्होंने आपको रिएक्शन बोली है वो बोला है मैग्नीशियम विद ऑक्सीजन। तो जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करेंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड हमारा बन जाएगा। तो दिस इज द रिएक्शन फॉर मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। उसके बाद जो हमारे पास उन्होंने केमिकल रिएक्शन दी है कॉपर की है। कॉपर की जो रिएक्शन है वो वॉटर, कॉपर की रिएक्शन दी है वाटर प्लस ऑक्सीजन प्लस CO2, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि जो हमारा कॉपर है वो नमी वाली एयर, और एयर के अंदर ऑक्सीजन और CO2 गैसेस है, उनके साथ रिएक्ट करता है और कॉपर हाइड्रोक्साइड प्लस कॉपर कार्बोनेट, ये एक मिक्सचर सब्सटेंस जो है वो बना देता है। और इस वजह से जो कॉपर के ऊपर कलर है वो ग्रीन कलर की एक कोटिंग या लेयर बन जाती है। वैसे कॉपर का कलर ब्राउन होता है। मैग्नीशियम जब जलता है तो वाइट कलर की जो है वो फ्लेम हमें दिखाई देती है। और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है ये भी वाइट कलर का ही आप बोल सकते हो सब्सटेंस बनता है। फेरिक ऑक्साइड जंग का कलर आपको पता है रेडिश ब्राउन सा कलर होता है, ऑरेंजिश मतलब उसका शेड आ जाता है। तो दिस इज रस्टिंग का कलर रेडिश ब्राउन। तो ये आपके पास उन्होंने तीन मतलब मेटल्स को लेके एग्जांपल्स आपको दी हुई हैं। उसके बाद जो उन्होंने आपको चीज पूछी हुई है कि ये जो सारे मेटल के ऑक्साइड्स आपने बना लिए हैं इनको आप कहता है वाटर के अंदर डिजोल्व करो। मेटल के ऑक्साइड, मेटल की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होने पे जो चीज बनती है उसे मेटल ऑक्साइड कहते हैं, उसका ट्रीटमेंट हमने वाटर के साथ करना है। उसके बाद जो आपके पास चीज बनेगी, ठीक है, मतलब मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर के करने के बाद सपोज कर लो मेरा एक्स चीज बन गया, उसको हम लोगों ने टेस्ट करना है एक बार रेड लिटमस पेपर के साथ और एक बार करेंगे ब्लू लिटमस पेपर के साथ। तो आपको यहाँ पे एक बात जो है वो नोट करनी है कि मेटल की ऑक्साइड, मेटालिक ऑक्साइड आर जनरली बेसिक इन नेचर। आमतौर पे मेटल के ऑक्साइड आपको बेसिक नेचर के मिलते हैं। और बेसिक यानी कि बेस, बेस क्या करता है, बेस जो होता है वो रेड लिटमस को क्या कर देगा, ब्लू लिटमस में कन्वर्ट कर देता है। यानी कि अगर कोई भी सॉल्यूशन रेड लिटमस को ब्लू कर रहा है इट मींस वो उसका बेसिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है। तो हम लोग भी इसमें यही देखने वाले हैं कि मेटल ऑक्साइड जब आपने वाटर के अंदर उनको डाला, सॉल्यूशन बनाया एक तरह से, चाहे वो सेटल हुआ चाहे नहीं हुआ, तो उसके बाद जब आपने रिएक्शन करवाई रेड लिटमस के साथ तो उसको ब्लू लिटमस में उसने टर्न कर दिया, कलर चेंज कर दिया। इससे साबित होता है कि मेटल ऑक्साइड्स का जो नेचर है वो बेसिक नेचर होता है। तो ये चीज आप लोगों को याद रखनी है। उसके बाद हमारे पास इन्होंने यही बताया हुआ है कि चाहे आप मैग्नीशियम की बात कर लो चाहे आप लोग आयरन की बात कर लो, सभी के ऑक्साइड्स विल बी बेसिक इन नेचर। ओके, नेक्स्ट नाउ हमारे पास उन्होंने दिया हुआ है एक सल्फर। सल्फर इज अ नॉन मेटल। चलिए सल्फर, अब नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी करते हैं आपकी बुक के अकॉर्डिंगली, इसको आप डिलीट कर देते हैं। तो हेडिंग आप लोग लिखेंगे
केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टी, और जैसे मैंने आपको बताया, मैंने फर्स्ट एग्जांपल आपको सल्फर की दी हुई है, सल्फर की रिएक्शन उन्होंने ऑक्सीजन के साथ करवाई है, तो हम लोग भी वही करेंगे। तो सल्फर इज अ नॉन मेटल, उसका ऑक्सीजन से रिएक्ट किया यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया, तो हमें एक गैस मिलेगी, दैट इज अ सल्फर डाइऑक्साइड। अब सल्फर डाइऑक्साइड को हमने वाटर के अंदर डिसॉल्व करना है, तो हमें एक और कंपाउंड बनेगा नया, जिसको बोलते हैं H2SO3, दैट इज सल्फ्यूरस एसिड। इसको हम लोग बोलते हैं सल्फ्यूरस एसिड। वैसे नाम से क्लियर है कि एक एसिडिक प्रॉपर्टी वाला सब्सटेंस बन गया, लेकिन फिर भी आपको जो यहाँ पे चीज रखनी है यार, वो क्या रखनी है कि नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं आर जनरली एसिडिक इन नेचर, यानी कि नॉन मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो जो सब्सटेंस बनता है उसका नेचर एसिड के जैसा होगा। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, इसका जो टेस्ट है एक बार करेंगे रेड लिटमस पेपर से और एक बार करेंगे ब्लू लिटमस से। तो रेड लिटमस एंड ब्लू लिटमस, तो एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है। तो यानी कि जो ब्लू लिटमस का कलर है वो ब्लू से क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। तो यही आप लोगों को वो बताना चाह रहे हैं कि जो नॉन मेटल के ऑक्साइड है उनका नेचर एसिडिक होता है। ओके, उसके बाद इन्होंने आप लोगों की जो रिएक्शन है वो दी हुई है, रिएक्शन विद वॉटर। तो ये तो हम लोगों ने मतलब ऑक्सीजन के साथ पढ़ ली ऑक्साइड्स की। अब हम लोगों को उन्होंने अब उन्होंने हम लोगों को बोला है रिएक्शन विद वॉटर। तो मैं चेक करता हूं कि रिएक्शन विद वॉटर आपको क्या दिया हुआ। पहले वॉटर रिएक्शन में सबसे पहले उन्होंने बात की है सोडियम मेटल की, सोडियम मेटल की उन्होंने आप लोगों को बात की है। देखिए जो सोडियम होता है वो बहुत वाइग्रसली, बहुत ज्यादा तेजी से रिएक्ट करता है वाटर के साथ, और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। मैं यहाँ के रिएक्शन लिखता हूं, सोडियम Na प्लस H2O प्रोडक्ट बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस एंड प्लस हीट एनर्जी टू। ओके, देखिए इसका मतलब क्या है कि जब आप सोडियम को पानी के अंदर डालेंगे तो उससे सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी और एक साथ में हीट भी निकलने वाली है। ये हीट का अमाउंट इतना ज्यादा होता है, इतना ज्यादा होता है कि जो हाइड्रोजन गैस है उसको आग लग जाती है, यस, और आपका जो सोडियम है वो बहुत ज्यादा मतलब बर्न करना शुरू कर देता है, हम लोग ये कह सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि इसके जो रिएक्शन है सोडियम की वाटर के साथ वो वाइग्रेसली होती है, इसीलिए कभी भी सोडियम को ओपन में या फिर हम लोग कह सकते हैं कि वाटर में हम लोग नहीं रखते, इसको कैरोसिन में स्टोर करके रखा जाता है। इसी तरीके से अब इन्होंने एक आपको नॉन मेटल की बात की है। नॉन मेटल कहता है कि आप इसको मतलब वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते, लेकिन एयर में वो कभी कभी रिएक्ट कर जाते हैं। फॉस्फोरस जो होता है वो बहुत रिएक्टिव नॉन मेटल है, और अगर इसको आप एयर में रख दोगे तो वो आग पकड़ लेगा, और इसीलिए उसको हम लोग पानी के अंदर रखते हैं, क्योंकि फॉस्फोरस इज अ नॉन मेटल और नॉन मेटल के साथ नॉन मेटल्स बहुत ही कम रिएक्ट करते हैं। तो ये आप लोगों को बताया जा रहा है। नेक्स्ट है रिएक्शन विद एसिड्स। ओके, तो नेक्स्ट जो इन्होंने आपका कवर किया हुआ है वो है रिएक्शन विद एसिड्स। तो चेक करते हैं कि आपकी बुक में रिएक्शन विद एसिड किस किस की एग्जांपल उन्होंने दी हुई है। तो इन्होंने यहाँ पे आपको मेटल्स और नॉन मेटल्स की रिएक्शन जो है एसिड के साथ दी हुई है, और आप लोगों को जो एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है वो मैं आपको करवाता हूँ कि किस तरीके से एग्जांपल इन्होंने आप लोगों का करवाया हुआ है।
सपोज कर लो आपके पास एक जिंक मेटल है। सबसे पहले हम लोग मेटल की बात कर रहे हैं, जिंक एक अपने पास मेटल है। हमने जिंक की रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कर दी, HCl इज एन एसिड, तो मेरे पास जो प्रोडक्ट है वो क्या बन गया, जिंक क्लोराइड एक सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस दैट इज H2। अब मैं क्या करूंगा, इसी मेटल की जिंक की एक बेस के साथ रिएक्शन कर दूंगा, लेकिन ये रिएक्शन भी एसिड है। ओके रहने दो, हम लोग एसिड की बात ही करेंगे पहले। तो मतलब क्या चीज है कि मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट करने पे नॉर्मली हाइड्रोजन गैस क्या करती है, रिलीज करती है। अब हाइड्रोजन गैस की बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है, हाइड्रोजन गैस जब जलती है तो वो पॉप साउंड प्रोड्यूस करती है। तो उसका मतलब क्या है, आप अगर हाइड्रोजन गैस के पास कोई जलती हुई चीज लेके जा रहे हो तो वहां पे आपको ना पॉप साउंड, पॉप ऐसे आवाज सी आनी शुरू हो जाएगी, तो दैट इज कॉल्ड पॉप साउंड, ऐसे तो लाइक दैट। तो वो साउंड जो होती है वो हाइड्रोजन गैस की आइडेंटिफिकेशन होता है कि हाइड्रोजन गैस जब बर्न करेगा तो पॉप साउंड प्रोड्यूस करेगा। उसके बाद इन्होंने एक आपको चीज दी हुई है कि जो कॉपर है वो HCl के साथ रिएक्ट नहीं करता, कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्योंकि जो कॉपर है वो हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव होता है, तो इसलिए वो उसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता। तो ये चीज है, लेकिन जो कॉपर है वो रिएक्ट करता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। अब आपका यहाँ पे क्वेश्चन जाहिर सी बात उठ रहा होगा कि यहाँ पे भी तो हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे अब कैसे मोर रिएक्टिव होगा। एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होगी, यहाँ पे ये जो H2SO4 है ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, और इसीलिए कॉपर इसके साथ रिएक्ट कर जाता है। हालांकि इसकी डिटेलिंग आपकी बुक में नहीं है, ना ही आपसे पूछी जाएगी, तो इसीलिए अपना भी यहाँ पे अपना ज्यादा मतलब आपको कुछ भी हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद अपने पास आता है रिएक्शन विद बेसिस, ठीक है। रिएक्शन विद बेस जो मैंने मतलब वो लिखना शुरू किया था, तो वो चीज थी रिएक्शन विद बेस। हम लोग सेम मेटल उठा लेंगे, और हमने सेम मेटल यानी कि जिंक उठा लेना है। बेस हो गया सपोज करो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो जब रिएक्शन होगी तो हमारे पास बनेगा Na2ZnO2 दैट इज सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस। बैलेंस करने के लिए टू लगा देंगे। तो अपन देख रहे हैं कि मेटल जब बेस के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ पर बना रहा है। तो यानी कि चाहे मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करे चाहे बेस के साथ रिएक्ट करे, जनरल रिएक्शन क्या कहती है कि सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन बनाता है। लेकिन हर ऐसा हो ये चीज नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ द ये वाली रिएक्शन हम लोगों को मतलब देखने को मिलती है। तो इस तरीके से मतलब हम लोग कह सकते हैं कि नॉर्मल रिएक्शन क्या है एसिड और बेसिस की मेटल्स के साथ, कि हाइड्रोजन और सॉल्ट बनता है। एक चीज और है कि जो नॉन मेटल्स हैं वो एसिड्स के साथ आमतौर पे रिएक्ट नहीं करते, तो इसलिए नॉन मेटल की रिएक्शन इन्होंने कोई प्रोवाइड नहीं की हुई। उसके बाद ठीक है, तो इतना मतलब हम लोगों के लिए आज के लिए काफी, क्योंकि आगे फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस की बात हो जाएगी, नया टॉपिक खुल जाएगा। तो इस चीज को आई थिंक आप लोग क्लियर करें, और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।